हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस माई नेम इज़ मनीष मित्तल एंड इन दिस वीडियो वी विल सी वट यू नीड टू रीड फ्रॉम द न्यूज़ पेपर ऑफ थर्टियथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़ पेपर में जो आई है वन ऑफ द एंड आई वुड से द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द एंटायर ईयर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट फॉर द एंटायर ईयर दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन वो रिलीज़ हो गया है इकोनॉमिक सर्वे 2021, so in this economic survey बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है. There is a lot that you need to prepare here. So इसमें जो सबसे important pointers हैं, ये पूरी की पूरी news आपको पढ़नी है in great detail. In fact on page number eight, ten, eleven and six. आज का पूरा newspaper it's like a treasure. So you should not uh, throw it away अगर आप hard copy read करते हैं. So keep it and read it properly. उससे notes बनाइए economic survey के बहुत अच्छे तरीके से. देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज इन इंडियन इकोनॉमी जैसे कि इसमें जो सबसे मेजर पॉइंटर्स हैं दैट इज कि इस साल जो जी डी पी होने वाली है दैट इज माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट दैट इज एक्सपेक्टेड माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट बट नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी इलेवन परसेंट सो देर इज गोइंग टू बी ए रिकवरी ऑफ इलेवन परसेंट जी डी पी ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर हालांकि वो बहुत इट इज़ नॉट अ रियल मेजर ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग क्योंकि जो बेस इफेक्ट है वो एक मैकेनिकल बूस्ट प्रोवाइड करेगा इस साल जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है तो अगले साल दैट कॉन्ट्रैक्टेड इकॉनॉमी इज़ द बेस एंड ऑन दैट बेस द रिकवरी विल बी देयर तो जो 11 परसेंट है वो एग्जैक्टली exactly, उसमें काफ़ी सारा जो इफेक्ट है वो बेस इफेक्ट भी आता है तो ऐसा नहीं है कि ग्यारह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है ये भी देखना चाहिए कि सात से वो कॉन्ट्रैक्ट भी की है सो इन दिस वे एंड गवर्नमेंट इज़ सेंग दैट इट्स अ वी शेप्ड रिकवरी जो कि इस ग्राफ से भी पता चलता है हमें राइट right? तो ये जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन है ऑल दैट यू नीड टू डू इन ग्रेट डिटेल जैसे कि इंडिया की जी डी पी का जो एस्टिमेट है दो हजार बीस में इट वॉज वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन लाख करोड इंडिया की जो जी डी पी है वो टू थाउजेंड ट्वेंटी में इट वॉज वन फोर्टी सेवन लाख करोड़ और Uh, ये 2021 तक 135 लाख करोड़ रह जाएगी यानी कि इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड उससे अगले साल ये 149 लाख करोड़ की हो जाएगी विच इज अलेवन परसेंट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे से देन इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो पर कैपिटा में बहुत ही ज़्यादा पीछे है सो इट माइट बी द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट इन पर कैपिटा टर्म्स इट इज फार फार बिहाइंड मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जैसे कि uh, जो आईएमएफ का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2022 का उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की जो पर कैपिटल जीडीपी है इट इज़ द थर्ड लोएस्ट पर कैपिटल जीडीपी इन द लिस्ट बाकी सभी कंट्रीज चाहे वो चाइना हो यू हो रशिया इन लाइक एक पाकिस्तान को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी सभी कंट्रीज़ की जो पर है दैट इज़ हायर देन इंडियाज And the reason for that is because India's population is so large that if you divide the GDP with the population of India, then the per capita number is very very small. So this document, you have to in detail. Very important news, I would say. Then uh, yes, this is an important news. Government tightens oversight on funds received by NGOs. गवर्नमेंट ने आ, एक नई कंडीशन इशू की है कि कोई भी एन जो फॉरेन सोर्स से अपनी फंडिंग ले रहा है चाहे वो सोर्स इंडिया में ही बेस्ड क्यों ना हो लेकिन अगर उसका ओरिजिन फॉरेन का है तो भी उसकी जानकारी जो है वो बैंक्स को देनी पड़ेगी राइट डोनेशंस रिसीव्ड बाय इन इंडियन रुपीस बाय एन एंड एसोसिएशन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स शुड बी ट्रीटेड एज़ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन उसे फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रीट किया जाएगा And it will come under the purview of FCRA, that is Foreign Contribution Regulation Act. Foreign Contribution Regulation Act. And there are various restrictions under the Act which will also apply to such donations. FCRA is a very important act. Right? Jitne bhi NGOs ya baki bodies hai. जो फॉरेन से डोनेशन रिसीव करते हैं, वो FCRAs के एम्बिट में आते हैं, एंड देर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस अंडर FCRAs, सो नाउ दिस डोनेशंस विल आल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ FCRAs। उसके बाद, लेट इस मूव अहेड सो दिस रिपब्लिक डे सेलब्रेशन इन डेली कम टू अ क्लोज जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जो थ्री डे पूरा फेस्टिवल या पूरा कर पूरा जो सेलब्रेशन होती हैं देट हैव कम टू अ क्लोज सो इसको आप पढ़ सकते हैं येस दिस एनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज इज हेयर यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन केपेबल ऑफ पब्लिक मिसचीफ यूपी ने जो एक उत्तर प्रदेश ने जो एक ऑर्डिनेंस इशू की है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसमें कि Uh, कोई भी अगर वेडिंग फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ़ रिलीजियस कन्वर्जन कराई जाती है और उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है देन इट इज़ लायबल टू बी नलिफाइड एंड द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फोर्स्ड कन्वर्जन इज़ लायबल टू बी परसिक्यूटेड तो इसके ऊपर जस्टिस ए पी शाह ने अपना ओपिनियन दिया है फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ये डेली कोर्ट के तो इनका कहना है दैट इट इज केपेबल ऑफ पब्लिक मिसचीफ इट कैन बी मिस यूज बाई कम्यूनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट तो उसका एक क्रिटिक है ये ऑल सिंपल न्यूज आइटम बट यू कैन ट्रीट इट एज अ आर्टिकल यू कैन ट्रीट इट एज एन ओपिनियन पीस तो काफी अच्छा उन्होंने इस पे ओपिनियन दिया है यू कैन रीड इट फाइनली द एडिटोरियल पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन अ बजट ब्लू प्रिंट फॉर डिफिकल्ट टाइम्स रिटन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह पी चिदम्बरम एंड प्रवीण चक्रवर्ती वेरी वेरी स्कॉलरली आर्टिकल थोड़ा क्रिटिकल भी है ये आर्टिकल तो लेकिन आपको पढ़ना है बिकॉज इन वन और टू डेज द यूनियन बजट इज गोइंग टू बी अनाउंस ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी सो यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ताकि यू कैन सी द बजट फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इस आर्टिकल को अभी पढ़ लेंगे द बेनिफिट इज़ कि इसके मैं जो भी पॉइंटर्स दिए हुए हैं दिज आर एक्सपेक्टेशन्स फ्राम यूनियन बजट इन कोविड टाइम्स तो जो भी इंडिया की इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेड है क्या क्या उसमें होना चाहिए ये सब कुछ इस आर्टिकल में मैंशनड है सो यू शुड रीड दिस आर्टिकल ताकि जब आप बजट को पढ़ें दो दिन बाद यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया वट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट एंड देन यू कैन कंपेयर द एक्सपेक्टेश विद रियालिटी वट इज़ एक्चुअली अनाउंसड इन द बजट एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड परस्पेक्टिव ऑफ द गैप्स बिटवीन एस्पिरीशन एंड रियालिटी तो ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ लेना है देन दिस एडिटोरियल हेयर इन सर्च ऑफ मलेस एफ आई आरस अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स आर अब्यूज ऑफ लॉ विद इंटेंशन टू इमिडिएट इंटीमीडिएट तो इसमें यह कहा गया है कि जिन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट अब्यूज ऑफ लॉ के लिए एफ आई आर फाइल की जा रही है दैट इज एक्चुअली अब्यूज ऑफ लॉ ये आर्टिकल आपको पढ़ लेना है दिस इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम पॉलिटी परस्पेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपको पढ़ना है अगेन आज पॉलिटी के ऊपर ही एक दूसरा एडिटोरियल है इंस्टेड ऑफ पुशिंग थ्रू लॉज द गवर्नमेंट मस्ट टेक पार्लियमेंट मस्ट यूज पार्लियामेंट फॉर अ डिटेल डिबेट यानी कि किसी भी लेजिस्लेशन को हेस्टी लेजिस्लेशन के अगेंस्ट ये एक एडिटोरियल है कि कैसे हेस्टी लेजिस्लेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को ऑनर किया जाना चाहिए एंड हाउ वेरियस फोरम्स अंडर द पार्लियामेंट शुड बी यूज फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ताकि पार्लियामेंट का जो रियल इंटेंट है वो सामने आ सके सो अगेन अनदर आर्टिकल ऑन योर इंडियन पॉलिटी हेस्टी लेजिस्लेशन के खिलाफ रीड दिस आर्टिकल एज वेल then uh, this particular news a very <coughs> grim news I would say online memorial to COVID 19 victims going live today to ek online memorial बनाया जा रहा है Kolkata based NGO hai ye jiska ye initiative hai online memorial है यानी कि लोग वहाँ जाकर they can pay tributes to all those who have died in coronavirus so it is going live today तो so, एक initiative है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए नाउ दिस पेज पेज नंबर टेन ये पूरा का पूरा पेज आपको पढ़ना है ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑन पेज नंबर टेन जिस पेज की हैडिंग इकोनॉमिक सर्वे है यू हैव टू रीड ऑल द आर्टिकल्स आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है विदड्रॉ फोरबियरेंस वंस इकोनॉमी रिकवर्स इंडियाज रेटिंग्स डोंट रिफ्लेक्ट इकॉनॉमी फंडामेंटल ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं एजिलिटी की टू काउंटरिंग पैंडमिक्स एक रिपोर्ट है ये कि हाउ द पैंडमिकज इम्पैक्टेड इंडिया इकोनॉमी इंक्रीज राशन शॉप प्राइसिस ऑफ राइस वीट हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस ऑन हेल्थ केयर हेल्थ केयर के ऊपर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पे है बेयर नेसेसिटीज बिटवीन स्टेट्स हैज़ नैरोड सिंस टू थाउजेंड ट्वेल्व तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये है डिफेंस बजट के ऊपर है देन ग्रोथ इन इक्वालिटी के ऊपर गिग इकोनॉमी वट इज़ गिग इकॉनॉमी बेसिकली जहाँ पर हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट होता है यानी कि एडहॉक बेसिस पे जॉब्स होती हैं रजगी की इकोनॉमी सो दैट हैज रीजन तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको पेज नंबर टेन वाले जो है वो पढ़ने हैं पेज नंबर टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन पेज नंबर इलेवन कोर सेक्टर आउटपुट श्रैंक वन पॉइंट थ्री परसेंट इन डिसम्बर अब ये वैसे तो बहुत यूजल सी न्यूज है हर महीने आपको कोर सेक्टर की आउटपुट मेजर नहीं करनी है वट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो वट ऑल आर कोर सेक्टर कंपनीज कोर सेक्टर में कुल आठ इंडस्ट्रीज आती हैं इंडिया की That is petroleum, refinery, natural gas, coal, steel, electricity, cement, and fertilizer. These are the eight core sector industries of India. तो कोर सेक्टर की जो आउटपुट है वो 1.3 परसेंट श्रिंक की है और इन्हें कोर सेक्टर क्यों कहा जाता है क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो इंडिया की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी परसेंट वेटेज सिर्फ इन आठ इंडस्ट्रीज़ की है सो दे आर द कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया और इनकी आउटपुट से हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ किस तरफ जा रही है सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो इस पर थोड़ा सा न्यूज़ को आपको पढ़ना है नेक्स्ट comes योर वर्ल्ड पेज WHO team begins टीम work फील्ड वर्क इन वुहान टू ट्रेस वायरस ओरिजिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम फाइनली वुहान में विजिट कर गई है वहाँ पर फील्ड वर्क कर रही है कि जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है उसको ट्रेस किया जा सके नाउ द पर्पस ऑफ़ दिस इज़ नॉट ओनली टू फिक्स ब्लेम बट आल्सो टू सी कि इस वायरस का ओरिजिन जैसे हुआ क्या उस तरह की कंडीशंस को बाकी जगह पर अवॉइड किया जा सकता है

then uh, Sri Lanka begins vaccine rollout ये वैसे तो एक uh, बड़ी uh, normal सी news है लेकिन आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए that some of the vials that have been sent to Sri Lanka have been sent by India India अपने आस पास की बहुत सारी countries को जैसे कि Sri Lanka को Maldives को Nepal Bhutan Myanmar इन सभी countries को India ने lakhs of vaccines या फिर vials जो हैं वो भेजे हैं as a goodwill gesture ये एक बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रेज्ड इंडिया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज़ प्रेज्ड इंडिया फॉर ट्राइंग टू कर्ब दिस कोविड नॉट ओनली इन इन आवर ओन कंट्री बट इन नेबरिंग कंट्रीज एज वेल क्योंकि साउथ एशियन रीजन में इंडिया इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री तो उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको भी वो इस फाइट में इन्वॉल्व करें सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यू एन सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी जनरल फॉर दिस इनिशियटिव एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फॉरन पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है तो अपने अपने नेबरहुड में ये सभी वैक्सीनेशन देखे हम उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं राइट देन फाइनली बाइडन टैप्स न्यूक्लियर डील वेटरन टू रिज्यूम नेगोसिएशन विद ईरान जो ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील यू एस और फाइव अदर कंट्रीज ने साइन की थी विच वी कॉल जे सी पी ओ ए जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दो हज़ार अठारह में यू एस ने ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया था और उसके बाद से ईरान ने भी उस डील की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करना शुरू कर दिया बट नाउ दैट द प्रेजिडेंट हैज़ चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन हैज चेंज सो नाओ द न्यू प्रेजिडेंट मिस्टर जो बाइडन इज विलिंग टू री जॉइन ईरान न्यूक्लियर डील प्रोवाइडेड ईरान ऑल्सो री जॉइंस द डील ओनली देन द डील कैन रिमेन इन फोर्स तो उसके लिए mr. joe biden, ne rob Maliko engage Malley so that he can negotiate with iran for resumption of iran nuclear deal. now, this iran nuclear deal has very, i would say, direct and indirect impact on the entire world, on world peace, on its relations with india, on iran's relations with india. so all those dynamics come into picture. right? so all these news are what you have to read today in the newspaper, in the hindu. सबसे इंपॉर्टेंट है आज आपको इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो आपको पढ़ना है पेज नंबर टेन एंड पेज नंबर टेन दिस फ्रंट पेज एंड देर आर सम अदर पेजेस जो कि आपको फ्रंट पेज पे बताया गया है सो रीड द इंटायर इकोनॉमिक सर्वे इन डिटेल एंड ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम इट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स